गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल सकती कि डोल सो रही है, और आज है टुगु का बर्थडे और अभी बज गए सुबह के 5:30 और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, तो अभी मिलती हूँ आपको रास्ते पे। तो अभी हो गए हैं 5:52 और मेरे को 6 AM तक जिम पहुँचना है। सुनसान सड़कें, ऐसे लग रहा है रात के 12 बजे हो। हो गए हैं वर्कआउट और ऑलमोस्ट हो गए हैं 8। ये देखिए 8 o'clock हो गए हैं और मतलब 10 मिनट्स हैं बाकी, लेकिन घर पहुंचे तक हो जाएंगे। तभी पीते हैं प्रोटीन और चलते हैं घर। डॉल का कॉल भी आया हुआ है और मैं आ गई हूँ घर। गुड मॉर्निंग। मैंने स्टार्ट कर दिया पहले व्लॉग आज। तो मैं अभी जिम से घर आ गई हूँ और टुकी को लेके जा रहे हैं पनीर, और टुकू पनीर लेने, और टुकी को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ, तो देख लो कैसे चिल्ला रही है। तो टुकी को स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए, इसलिए उसके लिए पनीर लेने जा रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चिल्ला रही है। क्या है? हैप्पी बर्थडे टुकी। खोलो खोलो खोलो, चलो हैप्पी बर्थडे टुकी। चलें? चलो कहाँ जाना है? हाँ कहाँ 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 चलें? कहाँ चलें? चलो ये देखो। ओ शिट, देख लो कैसे बाहर गई है। अभी देखना, दिखाते हैं। चल गेट के पास आपको दिखा, देखो अभी इसके ड्रामे दिखाती हूँ। मैं गेट के पास जाऊंगी और इसको पता है कि हम जाएं। हाँ क्या हुआ? क्या 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 क्यों रो रही है? ये देखो, ये बाहर जाने की इसको आग लगी हुई है, लिटरली आग। पागल कौन है टुकी? देखो कौन है। तो ये लड़की आ गए हैं हम टुकी के लिए पनीर लेने यहाँ से। तो यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी डॉल के लिए, और बन रही है आलू सोयाबीन। तो मैं सिर्फ सोयाबीन की सब्जी खाने वाली हूँ सैलेड के साथ, और कुछ नहीं खाना। और देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। टुक्कु महारानी खाने की वेट में बैठी हुई है बेचारी, क्योंकि इसको आज पनीर मिलने वाला है। टुक्कु को क्या मिलने वाला है? पनीर। हो गया है ब्रेकफास्ट और हमने नहा धो लिया है, और अभी हम जा रहे हैं टिंकी के घर टिंकी से मिलने, क्योंकि टिंकी आई है। तो अभी यहाँ पे गीजर का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो पानी गर्म हो रहा है डॉल के लिए, और यहाँ डॉल ने प्रिपरेशन किया टुक्कू के केक की। आई डोंट नो उसने क्या मिक्स किया एंड कैसे इसको बनाया। तो अभी डॉल नहाएगी और उसके बाद हम जाएंगे टिंकी के घर टिंकी से मिलने। तो जब तक डॉल का पानी गर्म हो रहा, तब तक हमने वाटरमेलन काट लिया और अब हम खा रहे हैं वाटरमेलन। तो जी हो गए हम रेडी। मैंने पहना है वाइट टी शर्ट और अभी हम निकल टिंकी के घर के लिए। अभी बाल जो हैं वो गीले हैं। हाँ डोल महारानी मुझ पे हंस रही है, एंड आई डोंट नो वो क्यों हंस रही है। डोल ने पहनी है मेरी जैकेट जो मैंने अभी ली थी। चले, डोल की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए पूरा ढकना पड़ रहा है अपने आप को। तो लेट्स गो। बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, सर्दियों की पहली बारिश। हम निकल रहे थे पिंकी के घर के लिए और सडनली डॉल को आवाज़ आई, और इस पपी को ना या तो किसी डॉग ने काट लिया है, और डॉगीज भी इसको काट रहे थे। हमने जाके इसे बचाया और रोहताश भैया को कॉल कर दिया है, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं इसको वार्म मिल्क देती हूँ, मेरे को गेट वेट दोबारा खोलने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। अभी रोहताश भैया को टाइम लग जाएगा, उनका बाइक पंचर है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ कैंप चौक तक। वैसे तो हम लोग वेट कर लेते हैं रोहताश भैया का, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा, ये रोए जा रहा है रोए जा रहा है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको लेके चलते हैं। रोहताश भैया को कॉल कर दिया और वो 2-3 मिनट में आ रहे हैं, और
ये तब से रोए जा रहा है और मेरे को सोच सोच के हैरानी हो रही है कि जहाँ से हम इसको उठा के लाए हमारे पड़ोस में से वहाँ ये रो रहा था और लोग लिटरली खड़े थे सफाइयाँ कर रहे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। पता नहीं लोग इतने बेगैरत इतने बेदर्द कैसे हो सकते कि उनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और हमसे हमारे घर पे वेट नहीं किया गया रोहताश भैया का, हम उसे कैंप चौक तक लेके आए हैं ताकि भैया को आने में कम से कम टाइम लगे। सब बाइक खड़ी करी थी बिल्कुल सही खड़ी करी थी एकदम पंक्चर हो गई। कोई नहीं, तो अभी भैया आ गए हैं और इसको डॉगीज ने काट लिया है सर पे। भैया बता रहे हैं सर पे, वो हमें पहले भी दिखा था लेकिन हम श्योर नहीं थे कि ये वाउंड है या डॉगीज ने काटा है, तो अभी भैया ट्रीटमेंट कर देंगे। ठंड है ना बंजी, कभी किस चीज का इंजेक्शन लगाया है दर्द का? भैया अपनी बाइक पे ही ये पूरी जो है क्लिनिक लेके चलते हैं। अभी इसको साफ करेंगे और इसकी ड्रेसिंग करते हैं। पकड़ो तो जी, अभी हम घर वापस आ गए हैं क्योंकि टिंकी को कॉल किया तो टिंकी मार्केट गई हुई थी तो टिंकी से नहीं मिल पाए। ये अच्छा हुआ कि हमने जस्ट निकलते ही कॉल कर लिया था तो यू टर्न लिया और हम घर वापस आ। तो अभी ट्विंकल के यहाँ का प्लान चेंज हो गया था, मतलब ट्विंकल थी नहीं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि आज है विशाल का बर्थडे तो हम जा रहे हैं विशाल के पास। अभी हम आ गए हैं अर्बन तड़का पे केक लेने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिर ठीक है, उनका कहीं ना कैमरा देखते ही वो हो जाते हैं तो अभी मैंने शैम्पी को पिक कर लिया और हम आए हैं केक लेने, उसके बाद जाएंगे विशाल के पास। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो, तो हमने मंगाई है चाय स्पेशली और विशाल कह रहा है ऐसी है अभी चीज में क्या बनाएगा। हाँ पोज बस दे लो, चाय बहुत अच्छी है, थैंक यू, चाय अच्छी है। विशाल कह रहा है ऑफिस इसलिए लिया हमने यहाँ पे कि चाय अच्छी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो के बीच में अचानक से पिक्चर्स कहाँ से आ गई, तो ये पिक्चर्स उन मोमेंट्स की हैं जो हमने विशाल के बर्थडे पे विशाल के साथ स्पेंड की और जो घर आके मैंने टुकी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो वो पूरा दिन इतना हैक्टिक हो गया था और इतना बिजी और इतना लंबा व्लॉग होने वाला था तो इसलिए मैंने इस व्लॉग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आगे की मस्ती और टुकू का बर्थडे ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, यानी कि आपको कल मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार करना होगा। तो अभी आप इसको जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।